हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं हूं आपका दोस्त भूपेन सिंह और आप देख रहे हैं द मैकेट्रॉनिक्स वर्ल्ड। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही मज़ेदार टॉपिक, रेजिस्टेंस वेल्डिंग। तो बने रहें हमारे साथ आपके अपने चैनल पर, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। रेजिस्टेंस वेल्डिंग। The weld is made by conducting a strong current through the metal combination to heat up and finally melt the metals at localized point predetermined by the design of the electrodes or the workpiece to be welded. A force is always applied during and after the application of current to confine the contact area of the weld. दोस्तों, इसका मतलब ये है, जब हम दो मेटल्स के बीच में करंट पास करते हैं तो उनके मीटिंग पॉइंट पर रेजिस्टेंस होने की वजह से वेल्ड टूल बनता है, जिससे प्रेशर देने पर वेल्ड अदृष्ट हो जाता है और वो वेल्डिंग परफॉर्म हो जाती है। द प्रिंसिपल ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग इज द जूल हीटिंग लॉ, वेयर द हीट क्यू इज जनरेटेड डिपेंडिंग ऑन थ्री बेसिक फैक्टर्स एज एक्सप्रेस्ड इन द फॉलोइंग फॉर्मूला। क्यू इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, जहाँ पर क्यू हमारा जनरेशन ऑफ हीट है, आई हमारा करंट है, आर हमारा रेजिस्टेंस है और टी हमारा टाइम, समय है। दोस्तों, आप इस इमेज में देख पाएंगे क्लियरली कि दो मेटल्स को हमने रखा हुआ है इलेक्ट्रोड्स के बीच में, और वहाँ से हम वेल्ड सोर्स, पावर सोर्स से करंट को फ्लो करते हैं, और जिससे कि हमारा मटेरियल मेल्ट हो जाता है, और फोर्स से दबाते हैं जिससे कि वो अधेस्ड हो जाए और वेल्डिंग परफॉर्म हो सके। टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग। स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, बट वेल्डिंग। अब दोस्तों, हम बात करेंगे इनके पैरामीटर्स की, जो कि हमारे बहुत बड़ा रोल होता है उनका। तो वेल्डिंग करंट हमारा पहला पैरामीटर। द वेल्डिंग करंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग, विच डिटरमाइंस द हीट जनरेशन बाय अ पावर ऑफ स्क्वायर एज शोन इन द फॉलोइंग फॉर्मूला। जैसे मैंने बताया, ठीक उसी प्रकार आप देख सकते हैं जूल्स लॉ में कि करंट का स्क्वायर होता है, जो कि हीट जनरेशन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा हमारा पैरामीटर है वेल्डिंग टाइम। द हीट जनरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेल्डिंग टाइम ड्यू टू द हीट ट्रांसफर फ्रॉम द वेल्ड जोन टू द बेस मेटल्स एंड टू द इलेक्ट्रोड्स एज वेल एज द हीट लॉस फ्रॉम द फ्री सरफेसेस टू द सराउंडिंग्स। A minimum welding current as well as a minimum welding time will be needed to make a weld. Heat generation में दोस्तों, जो हमारा time है वो directly proportional होता है Q के, इसलिए हमें minimum time चाहिए होता है एक weld pool को बनाने में, और minimum current की ज़रूरत होती है। हमारा तीसरा पैरामीटर है वेल्डिंग फोर्स। द वेल्डिंग फोर्स इन्फ्लुएंसेस द रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस बाय इट्स इफेक्ट ऑन द कॉन्टैक्ट
resistance at the interfaces and on the contact area due to deformation of materials. The workpiece must be compressed with a certain force at the weld zone to enable the passage of the current. दोस्तों फोर्स की बात करें तो करंट से हमारा मटेरियल मेल्ट हो जाता है, लेकिन उसको परमानेंटली ज्वाइन करने के लिए हमें फोर्स की आवश्यकता होती है, जो कि लगभग 4 kg पर सेंटीमीटर के स्क्वायर के करीब हमें ज़रूरत होती है एक वेल्ड जॉइंट बनाने के लिए। दोस्तों चौथा हमारा पैरामीटर है कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। द कॉन्टैक्ट resistance at the weld interface is the most influential parameter related to materials. It however has highly dynamic interaction with the process parameters. यह बहुत महत्वपूर्ण पैरामीटर है, इसका बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शन होता है बाकी पैरामीटर्स से। तो दोस्तों जिस प्रकार इसका नाम है रेजिस्टेंस वेल्डिंग, तो आप समझ सकते हैं कि रेजिस्टेंस का बहुत बड़ा रोल होता है एक वेल्ड पूल को परफॉर्म करने में। दोस्तों हमारा पांचवा पैरामीटर है मटेरियल्स प्रॉपर्टीज। नियरली ऑल material properties change with temperature, which add to the dynamics of the resistance welding process. The resistivity of material influences the heat generation. दोस्तों ज़्यादातर material की properties heat के साथ बदल जाती है, इसलिए कुछ नियत मेटल्स को ही हम इस वेल्डिंग से जोड़ सकते हैं। यह इनकी रेजिस्टेंस पावर पर भी निर्भर करती है। अब दोस्तों हम बात करेंगे एप्लीकेशंस की। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग इज़ वाइडली यूज्ड इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। प्रोजेक्शन वेल्डिंग जो हमारी वाइडली यूज्ड होती है नट और बोल्ट के प्रोडक्शन में, और बात करें सीम वेल्डिंग की तो वो बेसिकली लीक प्रूफ जॉइंट बनाने के लिए यूज होती है टैंक और बॉयलर्स में। फ्लैश वेल्डिंग की बात करें तो ये हमारी यूज होती है पाइप्स और ट्यूब्स बनाने में। तो दोस्तों यहाँ से आपको इसका एप्लीकेशन समझ में आता है। हर एक टाइप जो हमने वेल्डिंग का बताया मोस्टली हमने यहाँ पर कवर करा है, सबका एक एक एप्लीकेशन बताने की कोशिश करी है। एडवांटेजेस, इट कैन वेल्ड थिन 0.1 mm एज वेल एज थिक 20 mm मेटल्स। हाई वेल्डिंग स्पीड, इजिली ऑटोमेटेड, both similar and dissimilar material can be weld. The process is simple and fully automated, so does not require high skilled labor. High production rate, it is environment friendly process. It does not require any filler metal, flux and shielding gases. तो दोस्तों ये हमारा कम से कम 0.1 mm और ज़्यादा से ज़्यादा 20 mm थिकनेस तक हमारा वेल्ड हो सकता है। इसकी वेल्डिंग स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, इजिली हैंडल हो सकता है, बोथ सिमिलर और डिसिमिलर मेटल को ज्वाइन कर सकते हैं, प्रोसेस इजी होता है तो स्किल्ड पावर की ज़रूरत नहीं होती है, हाई प्रोडक्शन रेट होता है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है। अब हम बात करेंगे इसके डिसएडवांटेजेस की।
तो हाई इक्विपमेंट कॉस्ट होता है। द थिकनेस ऑफ वर्कपीस लिमिटेड होती है ड्यू टू करंट रिक्वायरमेंट। ये थोड़ा कम इफिशियंट होता है हाई कंडक्टिव मटेरियल्स के लिए, ज़्यादा इलेक्ट्रिकल पावर की ज़रूरत होती है। वेल्ड जॉइंट में टेंसाइल एंड फटिंग स्ट्रेंथ की प्रॉब्लम आती है, इसकी टेंसाइल एंड फटिंग स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, या यूं कहे कि इसका जॉइंट जो होता है, मतलब जल्दी इजिली ये कह सकते हैं कि इसका डॉट हम हटा सकते हैं, मतलब इसका जोड़ जो है वो हट सकता है।